सन 2002 से आपकी सेवा में हनुमंत छाया ज्वेलर्स। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार सागर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से जारी जंग में PPE किट एक अहम जरूरत बनकर उभरी है। पिछले दिनों खबरें आई कि कई सौ पैरामेडिकल स्टाफ को PPE किट नहीं मिल पा रही है। कोरोना संकट के चलते देश और प्रदेश में PPE किट की बढ़ती मांग को देखते हुए पूर्ति करने के लिए बड़ी कंपनियों से लेकर ग्रामीण महिलाएं युद्ध स्तर पर किट बनाने के काम में जुटी हुई है। वहीं पन्ना जिले में भी कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए आजीविका मिशन स्वसहायता समूहों की महिलाएं PPE किट बना रही हैं। पहले चरण में इनके द्वारा 500 किट का निर्माण सफलतापूर्वक किया गया है, जिसके बाद पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर अब 500 किट और बनाई जा रही हैं। इससे कोरोना योद्धाओं को जहां सुरक्षा कवच रूपी किट स्थानीय स्तर पर ही आसानी से उपलब्ध होगी, वहीं लॉकडाउन के दौरान समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र पुराना पन्ना में आजीविका मिशन पन्ना स्वसहायता समूह से जुड़ी करीब एक दर्जन महिलाएं इस काम में पूरे मनोयोग से जुटी हुई हैं। सैनिटाइजर बना, पहले शुरुआत में मास्क बने थे, उसके बाद से सैनिटाइजर बना है। अभी डॉक्टरों के लिए PPE किट बनाई जा रही है। कैसे बनाती हैं आप लोग? सर वो कपड़ा मैडम ने मंगाया था सतना से, वो आया है, फिर यहाँ सर लोग वो काटने वाले लगे हुए हैं, वो काटते हैं, उसके बाद हम लोग को देते हैं, तो फिर हम लोग बना रहे हैं। आप लोग सिलाई कर रहे हैं? हाँ सर, हम लोग सिलाई भी बनाए हैं। हाँ सर, मास्क बन चुके हैं, बहुत सारे बना के सब जगह पहुँचाए जा चुके हैं। तो आप लोगों को इससे रोजगार भी मिल रहा है? हाँ सर, हम लोग को रोजगार है। अब लॉकडाउन लगा हुआ है, महिलाएं घर पे हैं और सब लोग घर ही पे हैं, तो हम लोग को सर ये काम मिल रहा है, हम लोग काम करते हैं। कितने लोग लगभग यहाँ? सर लगभग यहाँ पे 15 लोग सिलने वाले और 2 काटने वाले लगे हुए हैं, जिसमें महिलाएं 7-8 बना लेती हैं दिन। आपको बता दें कि बाजार में अच्छी क्वालिटी की PPE किट 700 रुपए से लेकर 900 रुपए तक में मिलती है, जबकि पन्ना में आजीविका मिशन के महिला स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित PPE किट का मूल्य आधे से भी कम, महज 300 रुपए है। इसकी कटिंग और सिलाई करने वाली महिलाओं को बतौर पारिश्रमिक मिलता है। इस तरह 300 रुपए में बेहतर क्वालिटी की PPE किट स्वसहायता समूह बना रही है। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार तथा CEO जिला पंचायत के मार्गदर्शन में हमने शुरुआत से मतलब सैनिटाइजर का प्रारंभ किया। सैनिटाइजर जो है तो आयुष विभाग के मतलब मानदंड के अनुसार पहले बनवाया गया था, 306 माने CC उसका वितरण किया गया। इसके बाद फिर जो WHO का निर्देश है या मानक है उसके अनुसार अपना सैनिटाइजर 5450 लीटर का तैयार किया गया और उसका वितरण किया गया है। इसी तरह से मास्क का 39,640 मास्क हम अभी तक वितरित कर चुके हैं। PPE जो किट है तो वो जो है तो CMHO के निर्देशन में और कलेक्टर साहब के माने मार्गदर्शन से बनवाई गई है। अपने यहाँ 1,000 का आदेश हो चुका है, 500 किट तैयार हो गई हैं और 500 किट और बनाई जा रही हैं। महिलाओं को पूरी तरह रोजगार मिल रहा है, जितना बनाया जा रहा है उसमें जो बचत होती है तो बचत राशि इनके मजदूरी के भुगतान के बाद भी जो बचत राशि रहती है वो समूह के महिलाओं को वितरित की जाती है। वहीं पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का कहना है कि यहाँ हमारे स्वसहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से भी जो है PPE और फुल बॉडी कवर के जो हैं वो प्रोडक्शन हो रहे हैं। तो एक प्रकार से जो PPE की कमी महसूस हो रही थी अब वो कतई नहीं है जिले में। वैसे भी अभी तक कोई पॉजिटिव केस आया नहीं है और उसी में ज़्यादातर यूज़ होता है, जब पॉजिटिव केस आ जाते हैं तब उसकी संख्या ज़्यादा यूज़ होती है, पर हमारे पास अब पर्याप्त PPE किट हो गई है। पन्ना से दीपक शर्मा, सागर TV न्यूज। सन 2002 से आपकी सेवा में हनुमंत छाया ज्वेलर्स। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार सागर।